सावन का महीना यानी शिव का महीना, और इस पवित्र महीने में कोई भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, अगर ये लक्ष्मी नारायण कवच, जिसमें ये तीन रुद्राक्ष आपको लगे हुए दिख रहे हैं धागे में पुरे हुए, जो गले में पहने जाएंगे, या आप इसको अपने साथ भी रख सकते हैं, ये लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती कवच, इसमें भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, शिव जी, पार्वती जी का संपूर्ण आशीर्वाद है। और इसके साथ में आप देख रहे हैं महामृत्युंजय कवच, ये ब्रेसलेट के रूप में है जो आप हाथ में धारण करेंगे। इसमें गणेश जी का आशीर्वाद है और साथ ही साथ शिव जी का भी आशीर्वाद है। गणेश जी और शिव जी का दोनों मिलकर महामृत्युंजय कवच बनाते हैं, और साथ में जो स्फटिक हैं ये मां लक्ष्मी हो गई, ये धन दौलत देती हैं। तो आपके पास धन भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, सफलता भी होगी। और लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती कवच, जिसमें तीन रुद्राक्ष लगे हुए हैं, ये इस संसार के सभी सुखों को आपको दे सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको दिखाई पड़ रही है वो है लघु रुद्राभिषेक किट। इसके अंदर वो सामग्री है जो शायद आपने अभी तक अपने जीवन में कभी शिव को अर्पण ही नहीं करी। वो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से आप शिव जी को इस सावन के किसी भी दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें इस सावन के महीने में जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति, जीवित इंसान धारण करता है, महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके जीवन में सुख के अलावा और सफलता के अलावा और कुछ नहीं आएगा। बाकी सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, शारीरिक बाधा, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र बाधा, पारिवारिक लड़ाई झगड़े शांत हो जाएंगे, पति पत्नी का तनाव दूर हो जाएगा, प्रेम संबंध बढ़िया हो जाएंगे, वैवाहिक जीवन में सुख शांति होगी, संतान का जन्म होगा, शनि की साढ़े साथी, काल सर्व दोष, शनि की ढैया से मुक्ति। इसके अलावा नौकरी में कोई परेशानी, व्यापार में कोई परेशानी, वो दूर होगी। कुंडली में अशुभ ग्रह हैं, उनकी अशांति चल रही है, तो वो भी शांत हो जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की, व्यापार में बढ़ोतरी, देश विदेश में सफलता, आपके कमाए हुए पैसे का सही सदुपयोग आप कर पाएंगे, दुश्मन की नज़र से बचेंगे, चोरों से बचेंगे, शत्रुओं से बचेंगे, बुरे लोगों से बचेंगे, बुरी आदतों से बचेंगे, और जब तक जीवित हैं सुख भोगते रहेंगे। मृत्यु के बाद भी शिवलोक प्राप्त होगा। शास्त्र में, पुराणों में लिखा है कि शिव पार्वती या लक्ष्मी नारायण कवच जो हम आपको दे रहे हैं, लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती कवच और महामृत्युंजय कवच, और साथ में ये जो स्पेशल चीजें हम देंगे शिव पर अर्पण करने के लिए लघु रुद्राभिषेक में, जो भी इंसान इसको धारण करता है और शिव को प्रसन्न करता है, वो व्यक्ति इस दुनिया में अन्य सभी व्यक्तियों से अलग है, सभी अन्य व्यक्तियों से अलग है। अगर आपने धारण किया है तो आपके परिवार में चार लोग रहते हैं तो आप उन चार में सबसे श्रेष्ठ होंगे, नंबर वन पर होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने पूरे शहर में आपने अकेले पहना है तो आप विशेष होंगे, बाकियों से अलग होंगे। तो इतनी आपके अंदर वैरायटी और इतने गुण पैदा करता है ये पूरी किट। अब इसको प्राप्त करने के लिए आपको S, देखिए स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है S31 लिखकर व्हाट्सएप करना है, और इसकी कीमत है 3,530 रुपये। रुद्राक्ष नेपाली होंगे, सर्टिफिकेट के एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे आपको, और ये आपके घर विधि विधान से पहुंचाया जाएगा। सावन के महीने में आपके घर पहुंच जाएगा और आप इसको धारण कर लेंगे तो आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। शास्त्र कहता है कि अगर
एक जानवर भी रुद्राक्ष को धारण कर ले शुभ समय शुभ मौके पर, तो वो इंसान से ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो आपको अगर ये मंगाना है, ये विशेष मौका है सावन का, तो आप S31 यानी S31 लिखकर व्हाट्सएप करें और दिए गए नंबर पर फोन भी करें, बात करें क्या है कैसे मिलेगा, और पूरी विधि विधान आपको इसके साथ दी जाएगी। तो आपका गुड लक अब आपके हाथ में है, S31 लिखकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की। साप्ताहिक राशिफल 22 से 28 जुलाई धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, सफलता पहले आएगी लेकिन बाद में आपकी बिगड़ी हुई सेहत आपको परेशान करेगी, क्योंकि सफलता की चाहत में राहत में आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं देंगे। सप्ताह के तीसरे दिन से अचानक से वित्तीय लाभ होने शुरू हो जाएंगे, नए नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, परिवार में प्रेम व्यापार ये सब बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको व्यापार में नए ऑर्डर मिलने शुरू हो जाएंगे, बच्चों की शिक्षा बेहतर होने लगेगी, साथ ही साथ आप बहुत अच्छी सुख सुविधाएं और खुशियां पाएंगे। तो सप्ताह के पहले 2 दिन थोड़े संभल के आप सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे, भाई बहन व अन्य रिश्तेदारों से आपके रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का साथ और सपोर्ट आपको मिलेगा, मधुर होगा आप लोगों का रिश्ता बॉस और एम्प्लॉय का, आपके बॉस आपके सपोर्ट करेंगे, मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया सफलता मिलेगी, कृषि संबंधी काम में और जमीन संबंधी कामों में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, व्यापार में आगे बढ़ने की योजनाएं बनेंगी, जीवन साथी के साथ आप बेहद रोमांटिक रहेंगे, संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का अंत होगा, आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी गुणवत्ता के तरीके से करेंगे, विदेश संबंधी कामों में लाभ प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है, कई मामलों में आपको गुस्सा जरूर से ज्यादा आएगा, यहाँ पर आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। इस सप्ताह में आपको मनचाहा तोहफा मिल सकता है, आपकी कोई कीमती चीज का अच्छा दाम मिल सकता है, आप किसी चीज को बेचकर बड़े अमीर बन सकते हैं, आप किसी चीज को खरीद कर अपनी शान शौकत को बढ़ा सकते हैं, किसी भी चीज में उतावलापन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और इस समय में आप बहुत दरिया दिल होंगे, जो कोई जो मांगेगा उसको दे देंगे, उसकी सहायता करेंगे। प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा चुनौती भरा होगा, आपका दिल किसी पर आ जाएगा लेकिन हो सकता है सामने वाले का दिल आप पर ना आया हो, तो एक तरफा प्यार हो सकता है, आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और किसी के पीछे लट्टू हो जाएंगे, इससे आपके काम धंधे में असर पड़ेगा। विदेशी व्यापार में थोड़ी अधिक सावधानी रखिएगा, लेकिन विदेशी व्यापार करना चाहते हैं तो करिएगा जरूर, मुनाफा बहुत अच्छा है, छोटी सी गलती आपको डुबो सकती है, लेकिन छोटी सी गलती नहीं करी तो फिर आपकी गाड़ी तैर भी जाएगी। धन कमाने के लिए निवेश करने के लिए सप्ताह बेहतर है, शेयर मार्केट में बढ़िया पैसा लगाकर कमाया जा सकता है, लेकिन दिमाग लगाकर। आपके लिए कई मामलों में यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है, कुछ मामलों में थोड़ा सा संघर्ष होगा लेकिन सफलता जब मिलती है तो संघर्ष छोटा लगने लगता है। सड़क पर चलते समय थोड़ी सावधानी रखिए, अगर किसी को आप पैसा देकर या मदद कर उसकी सहायता कर सकते हैं जरूर करिएगा, और वक्त निकालकर अपने लिए शारीरिक व्यायाम करिएगा, जिम वगैरह जाइएगा, खुद को बेहतर बनाने के लिए आप व्यायाम एक्सरसाइज जिम वगैरह करते रहिएगा, अत्यधिक काम की वजह से आपको माइग्रेन या सरदर्द हो सकता है, अपने बच्चों पर नजर बना कर रखें, खासकर उन बच्चों पर जो जरूरत से अधिक शरारती हैं, हर काम की अच्छी योजना इस सप्ताह में आपको और शानदार रिजल्ट देगी, आपका भविष्य अति उत्तम है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में काम मत करिएगा और रिश्तों में विश्वासघात बिल्कुल मत करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए, और ये देखिए स्क्रीन पर 3 चीजें आ गई, ये तीनों चीजों का जो संगम है वो आपको इस दुनिया में सब सुख दे देगा। शिव पार्वती लक्ष्मी नारायण कवच, यानी कि शिव पार्वती के साथ में माँ लक्ष्मी और नारायण की कृपा, जब नारायण की कृपा किसी इंसान पर हो जाए तो चींटी भी हाथी बन जाती है, तो आपको भी समझ लीजिए सभी प्रकार के समस्त सुख मिल जाएंगे। महामृत्युंजय कवच, जब ये कवच इंसान पहन लेता है तो इस दुनिया में जो तकलीफें हैं वो तकलीफें आपको छू भी नहीं सकती, चाहे वो तंत्र हो मंत्र हो शत्रु हो, चाहे वो ग्रहों की तकलीफ क्यों ना हो, चाहे काल सर्प हो या शनि की साढ़े साथी हो, आपसे दूर रहेगी। और तीसरी चीज है लघु
रुद्राभिषेक किट, इसमें वो चीजें हैं जो शिव जी पर आप सावन के महीने में चढ़ाकर और इन सब चीजों को धारण कर शिव के प्रिय बन जाएंगे। अगर आपको भी वीआईपी बनना है, शिव के करीब पहुंचना है, शिव के हृदय में अपना स्थान बनाना है, तो ये तीनों चीजें आप पहन सकते हैं और जीवन में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। सफलता आपकी और आपके पूरे परिवार को होगी। एक जना अगर परिवार में इसको धारण करता है तो पूरे परिवार को उसका सुख मिल सकता है। इसके लिए S31 लिखकर व्हाट्सएप करें, 3530 रुपये में ये उपलब्ध है। जितनी जल्दी ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी मिलेगा और उतनी जल्दी आप सावन के महीने में पहनकर खुद को भाग्यशाली बना पाएंगे। नमस्कार।